हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले अभी कौन सा चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन, गुरुत्व आकर्षण, यही मतलब है शायद हिंदी में ना। हाँ, तो जैसे तुमने गाना सुना होगा ना वाला कि मन पे चले ना कोई जोर वे, दिल पे चले ना कोई जोर वे, सॉरी है ना, खींचा चला जाए तेरी ओर वे। तो ये दिल का मन, दिल इससे कुछ लेना देना नहीं है, रियल रीजन है ग्रेविटेशन। क्या ग्रेविटेशन? इस दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर थोड़ा सा भी मास है, इस दुनिया में जितने भी मास है टोटल सभी, ये पेन, ये मोबाइल, ठीक है, ये एक रिमोट, ये पेन, सबके बीच एक फोर्स लगती है जिसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो सिर्फ अट्रैक्शन, मतलब इसके अंदर सिर्फ अट्रैक्शन ही होती है, ठीक है। जब बोलते हैं ना कि मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ यार, क्या करूँ, गलती नहीं है तुम्हारी, एक्चुअल में ग्रेविटेशन ये कॉन्सेप्ट है, नेचर का एक रूल है, ठीक है। चलो तुम रियल में मत ले लेना, है ना। हाँ, कभी अपनी सारी गलतियों को ग्रेविटेशन के ऊपर डाल दो, ये भी नहीं है। ग्रेविटेशन एक्ट तभी करता है, देखो अभी ये पेन है, यहाँ पे एक मोबाइल है, ये दोनों आपस में जाते हुए दिख नहीं रहे, रियलिटी में जा रहे हैं, सच्चाई ये है कि बहुत जा रहे हैं, लेकिन इतना कि तुम्हें दिख भी नहीं, इतना ज्यादा वीक फोर्स होती है ये ग्रेविटेशन, इतनी ज्यादा वीक फोर्स होती है कि ये दिखाई ही तब देती, इसका इफेक्ट ही तब पता चलता है जब बहुत हैवियर मासेज हो, लाइक सन मून अर्थ, जैसे अर्थ के चारों तरफ ये सैटेलाइट क्यों घूम रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। जैसे तुम्हारे हाथ या फिर सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो याद रखना यहां पर ग्रेविटेशन का रीजन है कि चारों तरफ घूम रही, ग्रेविटेशन ना हो तो दूर चली जाएगी। तुमने शायद मंगल मिशन, मंगल मूवी भी देखी होगी, है ना, कि उसके ग्रेविटेशन से बाहर निकलना है, ये सब चीजें पढ़ी होंगी तुमने। तो ग्रेविटेशन का मेनली रीजन क्या होता है कि जितने भी दुनिया में ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो एक मास है M1, दूसरा मास है M2, इनके बीच में डिस्टेंस है मान लो x, तो ये M1 इसको अपनी तरफ खींचता है और M2 इसको अपनी तरफ खींचता है, ये दोनों एक दूसरे को बराबर खींच रहे हैं। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ वाले क्या कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी जितनी फोर्स ये इसके ऊपर लगा के इसको खींच रहा है F1 से, उतनी फोर्स ये इसके ऊपर लगा के इसे खींच रहा है F2 से, यानी F1 = F2 = F। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन, अर्थ तो नहीं घूम रही सैटेलाइट के चारों तरफ, सैटेलाइट घूम रही चारों तरफ, अर्थ क्यों नहीं घूम रही, क्योंकि अर्थ का मास कंपैरिजन टू सैटेलाइट बहुत ज्यादा है, तो जिसका मास बहुत ज्यादा होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच लेता है अपनी तरफ, फोर्स दोनों बराबर लगा रहे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने रिमोट नीचे गिरा दिया, छोड़ दिया, ये नीचे गिरा अर्थ की तरफ, अर्थ खींच रही है ना, रियलिटी में इस रिमोट ने भी अर्थ को खींचा, लेकिन ये अर्थ को खींच नहीं पाया क्योंकि इसका मास बहुत कम है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा चुका हूं, जाके वो लेक्चर फॉलो करो, ठीक है, बस न्यूटन थर्ड लॉ याद रखना, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बहुत पहले गैलीलियो, ठीक है, कॉपरनिक, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इसके बारे में बात कर चुके थे, इस लॉ के बारे में, ठीक है। लेकिन इसके बारे में जो सभी साइंटिस्ट को पढ़ के एक निष्कर्ष जो निकाले, कंक्लूजन निकाला, वो किसने निकाला, हमारे न्यूटन बाबा ने, इन्होंने बता दिया ऑल ऑब्जेक्ट विद मास अट्रैक्ट ईच अदर विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। यही तो ग्रेविटेशन फोर्स की डिफाइन, अभी बता दूंगा डिफाइन भी। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, द मासेस ऑफ द टू बॉडीज। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है M1 और एक ऑब्जेक्ट है M2, इन दोनों का कितना मास है उस पर डिपेंड करती है फोर्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, इन दोनों बॉडीज के बीच में कितना डिस्टेंस है x, ठीक है। अगर किसी को डेफिनेशन लिखनी है तो देखो, नोट करो, ग्रेविटेशन फोर्स F से डिनोट करेंगे इसे, ठीक है, बिटवीन टू बॉडीज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसको मैं न्यूमेरिकल वे में भी लिखूंगा, तुम एक डेफिनेशन वे में लिख लो, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, दोनों मासेस के प्रोडक्ट, यानी M1 × M2, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन, इनके बीच में जो सेपरेशन है ना उसकी इन्वर्सली होती है। इसको मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन में बता दूंगा, एक प्रॉपर न्यूमेरिकल वे में बता देता हूं, देख लो जल्दी ध्यान से, देखो क्या है? लिखते हैं चलो इसको। पहली लाइन क्या थी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मासेस के प्रोडक्ट के। मान लो यहां पे एक मास M1 और यहां पे एक मास M2, इन दोनों के प्रोडक्ट के, इन दोनों के सेंटर से सेपरेशन लो, मैं ले रहा हूं इसको R, बुक्स में R, D, X बहुत कुछ लिखा मिलेगा, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन, इनके सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके भी स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन, ठीक है। वहां शायद स्क्वायर लिखना मैं शायद भूल गया, अच्छा लिखा हुआ स्क्वायर लिखा हुआ, सॉरी, ठीक है, बात समझ में आई। तो जब तुम इसे कंबाइन करोगे तो यहां से एक फॉर्मूला बना M1 M2 / R². बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर इस कैपिटल जी और छोटे जी में डिफरेंस क्या है, वो आज क्लियर हो जाएगा। जैसे ही तुम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, यूनिवर्स में जब भी तुम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो किसी भी फॉर्मूले में, तो एक कॉन्स्टेंट आता है, कॉन्स्टेंट आता कैसे, ठीक है। तुमने इसकी कैलकुलेशन करके देखी, इसकी देखी, इसकी कैलकुलेशन में ना कुछ कमी थी, वही कैलकुलेशन तुमने चांद पे बैठ के करके देखी, फिर एक कमी निकली, फिर वही कैलकुलेशन तुमने कहीं और जाके देखी, फिर वो कमी निकली, तो उस कमी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और उस कमी का नाम रख दिया हमने क्या, यूनिवर्सल कांस्टेंट। नाम क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट।
कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इस कैपिटल जी की वैल्यू लिख लो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये लिख लो, ये याद करनी कंपलसरी नहीं है इतनी, धीरे धीरे याद हो जाएगी, इवन एग्जाम्स में कभी कभी गिवन भी होती है। इसे बोलते हैं क्या, इसका नाम रख दिया ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। इसे एक और चीज बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल, क्यों बोलते हैं, ये यूनिवर्स में तुम कहीं भी चले जाओ हर जगह कॉन्स्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कुछ कुछ कॉन्स्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है सिचुएशन चेंज होने पर, ठीक है। तो यहां पर जी लिखा m1 m2 upon r square, ये ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। याद रखना, कैपिटल जी के बारे में पता चल गया, तुम्हें स्मॉल जी के बारे में बताऊंगा, वो कुछ और होता है, बात करेंगे। पहले कैपिटल जी, यहां से पूरा पेज लिख लो, पहला वाला स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। चलो पहला वाला स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3, ये तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बाद में बना लेना इसके, ठीक है। ये ग्रेविटेशन फोर्स है, एफ से डिनोट कर रहे हैं, न्यूटन बाबा ने खोज की इसकी, ठीक है। ये लिख लो, ये पूरा पेज लिख लेना जल्दी से, स्क्रीनशॉट ही ले लो, बाद में नोट्स बना लेना चाहे ना, या पॉज करके नोट्स बनाओ, चलो ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं, ठीक। चलो तो आगे भैया, आगे क्या, तुम्हें छोटे जी और बड़े जी की बात बाद में बताएंगे, इससे पहले हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं केपलर्स लॉ। तुम्हें पता है टाइको ब्राहे नाम के एक फिलोसोफर थे, जो भी थे ना, टाइको ब्राहे नाम था उनका, उन्होंने बहुत सारी थीसिस लिखी हुई थी, बहुत सारी, उन्होंने ग्रेविटी, एक्चुअली में प्लैनेट्स कैसे मोशन कर रहे, बहुत सारी, उन्होंने बहुत सारे डेटा इकट्ठा किया हुआ था। तो दो तीन कहानियां, कुछ कहानियां ये हैं कि केपलर उनके बाद में केपलर्स ने उन कहानी को इकट्ठा किया और उनमें और ज़्यादा कुछ चेंजेस किए और फाइनली उन्होंने 3 लॉ दे दिए केपलर्स ने। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि केपलर ने क्या किया था, उनके जो थीसिस थी वो चुरा के फिर किया था, लेकिन अब हमें नहीं पता, बहुत पुरानी थ्योरी है। तो पहला लॉ क्या था, पहला लॉ था इनका क्या था बताओ भाई, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इस लॉ के अंदर इन्होंने क्या बोला कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। देखो इस शेप को बोलते हैं सर्कल, सबको पता है, इस शेप को बोलते हैं रेक्टेंगल, सबको पता है, ठीक है, इस शेप को बोलते हैं स्क्वायर, सबको पता है, इस शेप को बोलते हैं एलिप्स, ये तुम पढ़ोगे 11th में मैथ्स में, एलिप्स बोलते हैं। अगर कोई आदमी इस रास्ते पे चल रहा है उसको बोलते हैं सर्कुलर पाथ, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर पाथ, इसको बोलते हैं स्क्वायर पाथ, इसको बोलते हैं एलिप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं इस पाथ को, क्या बोलते हैं, यहां लिख रहा हूं, एलिप्टिकल पाथ। प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो लॉ क्या बना कि प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट एट वन ऑफ इट्स फोकाई। वन ऑफ इट्स फोकाई का मतलब क्या है, इस एलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक यहां एक यहां, हो सकता है सन यहां पे हो, हो सकता है सन यहां पे हो, ठीक है। तो लिख लो जल्दी, क्या भैया, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट एट वन ऑफ इट्स फोकाई, FOCI। इस चीज को स्लो में करना और लिख लो जल्दी से, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चल रहे हैं हम, अगला लॉ है तुम्हारा लॉ ऑफ एरियाज। क्या, सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ एरियाज, या जब तुम बड़े हो जाओगे, बड़े मतलब 11th में चले जाओगे, वहां पे इसको एक नए नाम से बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी, बता देंगे, चलो अभी हमारा काम है, हम इसको करते हैं, लॉ ऑफ एरिया। सन है यहां पे ना, ये रहा सन, ऑब्जर्व करो, यहां पे एक एरिया कवर किया प्लैनेट ने, यहां से यहां तक प्लैनेट चला और प्लैनेट ने ये वाला एरिया कवर कर लिया। ये काम मान लो प्लैनेट ने 10 घंटे में किया, कितने टाइम में, 10 आवर्स में। अब प्लैनेट यहां है, प्लैनेट ने ये एरिया कवर किया, ये काम भी प्लैनेट 10 घंटे में कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो पाया गया क्या कि ये एरिया मान लो A1, ये एरिया A2, कि भैया प्लैनेट ने, प्लैनेट स्वीप्स आउट, लिख भी देता हूं यहां पे, प्लैनेट स्वीप्स आउट, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना होता है, पता ना, स्वीप ऐसे स्वीप कर दिया, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया, ओहो, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इसे 11th क्लास में एक चीज टर्म से बोला जाता है, एरियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, जिसको सुनना है, एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है, एरियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्लैनेट्स, यानी कदम कदम पर, जैसे यहां 10 घंटे में मान लो कुछ एरिया कवर किया, यहां भी 10 घंटे में सेम एरिया कवर करेगा, यहां भी मान लो ये वाला 10 घंटे में ये भी सेम कवर करेगा। अब तुम एक दिमाग लगाना, यहां पर देख लो प्लैनेट कितना ज्यादा चला है और यहां बहुत थोड़ा सा चला है कंपेयर टू दिस, यहां पे प्लेनेट तेज क्यों चलता है, सन के जितना पास प्लेनेट होता है ना उसकी स्पीड तेज होती है, क्यों, अभी अभी एक लॉ पढ़ा है कि भैया डिस्टेंस देखो, स्क्वायर बिटवीन, कहां गया डिस्टेंस,
स्क्वायर डिस्टेंस की इन्वर्सली, जितना डिस्टेंस दूर होगा प्लेनेट जितना सन से दूर होता है उतनी इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, फोर्स कम लगा पाता है ना सन, जब कम लगाएगा तो धीरे धीरे घूमेगा, समझिए, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। लास्ट बहुत डिफिकल्ट है, वो तुम्हारे बोर्ड्स में ज्यादातर पूछा नहीं जाता, स्कूल में नहीं पूछा जाता, पर बता देता हूँ फिर भी मैं, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स, थर्ड है ये, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पूछा नहीं जाता स्कूल में, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ पीरियड्स क्या होता है, इस प्लेनेट ने एक चक्कर लगाया, मान लो टाइम, टाइम वन लिया इसने, टाइम वन, और इसने लिया टाइम टू, इसने टाइम वन में चक्कर लगाया, ऊपर वाले ने टाइम टू में चक्कर लगाया, यहाँ पे इसका डिस्टेंस है सन से कुछ, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होगा सन से, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, अलग अलग डिस्टेंस है, देखो इन सब का एवरेज ले लो, और उस एवरेज को मैं बोल रहा हूँ आर, टोटल आर बोल दिया, तो इन्होंने एक डेफिनेशन निकाली कि भाई टी वन का स्क्वायर कर दोगे तो ये आर वन के क्यूब के प्रोपोर्शन होगा, ये बहुत डिफिकल्ट है याद रखना। तो लॉ ऑफ पीरियड्स क्या बताता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ऑफ रेडियस, प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ऑफ रेडियस क्यूब, ये लिख लेना, ये लॉ ऑफ पीरियड्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पूछा नहीं जाता, फिर भी मैंने इसलिए बता दिया, इलेवेंथ में आता है ज्यादातर, है ना, ये इसी तरह टी टू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर वन क्यूब, आर टू क्यूब सॉरी, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो एक फॉर्मूला बनता है, ये लिख लेना, जिसको पूछना है, जिसको याद रखना लिख लेना, एनटीएससी में पूछा जाता है ये, एनटीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए, लिख लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, 1, 2, 3 फिर नोट्स बना लेना, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर, हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया, हमने केपलर्स लॉ पढ़ लिए, अब हम पढ़ने वाले हैं वेट और मास एंड देन छोटा जी, पहले पढ़ते छोटा जी, ये क्वांटिटी तुम्हें याद होनी चाहिए, इनका राउंड ऑफ ये तुम याद रख लेना, 7 से यहाँ पे 7 याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये याद होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये तुम याद रख लेना 1800, एवरेज एवरेज है ना, यहाँ पे इस पूरे को 6 मान लेना, 6 × 10^24, ये पूरा ले लेना 6400, इनका एवरेज याद होना चाहिए, ठीक है, देख लो, अर्थ और मास के, अर्थ और मून के मास और रेडियस हैं, ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ओ ये क्या हुआ, शिट, 1 किलो का, 1 किलो का एक भारी सा डिवाइस है और एक पंख है फेदर, मैं यहां पे पंख गिराऊं और एक ऑब्जेक्ट गिराऊं, पंख बहुत धीरे धीरे गिरेगा, फेदर पहले गिर जाएगा, वो ऑब्जेक्ट पहले गिर जाएगा, ये तो बड़ी गड़बड़ है, तो ये कैसे हो रहा है, ये जो एक्सपेरिमेंट करा गया ये करा गया वैक्यूम में, कहां करा गया वैक्यूम में, वैक्यूम का मतलब जहां पे एयर रिप्रेजेंट ना हो, रियलिटी में अगर तुम यहां एक पंख को और एक ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे, पत्थर को भी, दोनों साथ जाने चाहिए थे नीचे, इसका प्रूफ भी करके दिखाता हूं अभी, क्यों साथ जाने चाहिए थे प्रूव करके दिखा दूंगा अभी, बस अभी के लिए समझो कि यहां जो हवा है ना, हवा की वजह से साथ नहीं जाएंगे, पंख पे ज्यादा फोर्स लगाएगी हवा ऊपर की तरफ, तो पंख धीरे धीरे से झूलता हुआ आएगा, ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा पाएगी, यही हो रहा है यहाँ पे, इसका एक्सपेरिमेंट भी बहुत फेमस, तो अब तुम्हें इसका प्रूव कराने वाला हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये दोनों साथ ही क्यों गिरे, इसका प्रूफ देखने चलो, ठीक है, चलो अब तुम्हें क्लियर होने वाला है छोटे जी की बात, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को छोड़ दूं, पहले चैप्टर में पढ़ा था तुमने, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ खींचती इतनी फोर्स से, खींचती याद है, यह है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, यह पढ़ा था पहले चैप्टर में कि ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है उसे बोलते हैं वेट, ऑब्जेक्ट का मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही तो है वो जी, इस जी को क्या बोलते हैं, जो अर्थ एक्सेलरेशन लगा रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन राउंड ऑफ करके हम इसको 10 बोल देते हैं, अप्रोक्स 10 ले लेते हैं, ठीक है, ये बात याद होगी, अब समझना, बहुत ध्यान सुनना है ना, बहुत ध्यान से, ये अर्थ पे तुम खड़े हो, यहां तुमने एक ऑब्जेक्ट उछाला और ऑब्जेक्ट उछल के नीचे वापस गिर गया, मान लो ये ऑब्जेक्ट तुम अर्थ के ऊपर खड़े हो, तुमने छोड़ दिया, तुमने कितनी ऊपर से छोड़ा, चलो मान लो तुमने बहुत ऊंचा ऊंची उछाल दिया, तुम ज्यादा से ज्यादा कितना उछाल सकते हो, 10 मीटर, 15 मीटर, 16 मीटर, जो भी है, अर्थ की रेडियस पता कितनी होती है, इतनी, इसको सही से लिखो तो इतनी, इतनी मीटर, सोचो इसके सामने 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर क्या नेग्लिजिबल है, ना के बराबर, जैसे समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लिया, ना के बराबर कुछ है इसके सामने, मैं मान लो ये वैल्यू लिखूं, क्या इसको राउंड ऑफ यही ना लिख दूं वापस, कोई दिक्कत है, सेम ये बात, बात सुन नहीं, मैंने ऑब्जेक्ट को इतना ऊपर सोचा ला, ये किसी को नोट करने कर लो, 1, 2, 3 को स्क्रीनशॉट लेकर लेना, मैं दोबारा ये
अब देखना, अभी तुमने एक लॉ पढ़ा था, मान लो ये पेन है, पेन ड्रॉप किया तुमने, ध्यान से देखो दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा चलो बड़ा करके लिख देता हूँ, ये पेन है, ये पेन मैंने छोड़ दिया, ये है ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट वन, ये है अर्थ ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अभी भी पढ़ाया था, वो क्या बताता है, ये फॉर्मूला था जी एम वन एम टू अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिख दो या आर स्क्वायर तुम्हारी मर्जी है, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है। चलो आर स्क्वायर, ये दिख नहीं रहा होगा तो वाइट सी लेते, आर स्क्वायर यही था, यहां एम वन ये, इसका मास ले लो एम वन और अर्थ का मास ले लो एम टू, ठीक है। और रेडियस क्या है, इसके सेंटर से इस पेन तक का डिस्टेंस, कि इसके सेंटर से जो पेन का डिस्टेंस है वो लगभग इतना होगा, कि इसको राउंड ऑफ इतना ही मान लू, क्या इनके बीच का डिस्टेंस अर्थ की रेडियस ही मान लू, अब समझे क्यों मानते हैं यहां पे, तो फोर्स जी वैसे ही लिखा रहने दो, मास वन कौन है ऑब्जेक्ट, मास टू कौन है अर्थ, अर्थ के मास को मैं कैपिटल एम लिख लेता हूं, लिखे कैपिटल एम लिख रहा हूं, ठीक, याद रखने के लिए कि अर्थ को भाई बड़ा मान लेना, अर्थ का मास कैपिटल एम ले रहा हूं, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आर रेडियस का स्क्वायर, किसकी रेडियस है ये, आर कौन है, रेडियस ऑफ अर्थ, क्यों लिया मैंने रेडियस ही, क्योंकि अर्थ के सेंटर से लेकर उस पेन के बीच में डिस्टेंस अर्थ की रेडियस से बहुत निन्नक सा ज्यादा है, नेग्लिजिबल ज्यादा है, इतना ही तो है बस, इतना सही तो है बस, तो इसको वापस मैंने अर्थ की रेडियस लिख दिया, ठीक है। ये वो फोर्स है कि ये फोर्स इस पत्थर को नीचे गिरा रही, इस पेन को नीचे गिरा रही, जो भी पेन या पत्थर नीचे गिरा दिए, क्या ये फोर्स भी वही काम कर रही थी रियलिटी में, जैसे कि भाई किसी इंसान के रूप अनेक नाम एक, एक आदमी एक ही नाम, एक आदमी के कई सारे नाम है, बार बार प्लास्टिक सर्जरी करा के घूमता रहता है ऐसा मान लो, क्या ये वाली फोर्स भी वही काम कर रही है और ये वाली फोर्स भी, क्या दोनों फोर्स ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा रही है, नीचे गिरा रही है, बात समझ में, इसको मास एम ही रहने दो, वन की लिखना क्योंकि मैंने अर्थ को पूरा कैपिटल लिख लिया ना, मास ही रहने दो, क्या ये वाली फोर्स भी इस ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा रही है, क्या ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या ये भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या ये दोनों फोर्स सेम है, इनके रूप अलग अलग है, काम तो सेम ही कर रही है, सेम ही तो क्या रियलिटी में ये इसके इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों फोर्स सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वेट कर दूं, एम सेम कट गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट गया, देखो बचा क्या, यहां लिखना, ये डेरिवेशन कर लेना ना, क्या ये बचा, हाँ ना बोलो। अब एक चीज देखना, यहां पे जी क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मास ऑफ अर्थ, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, क्या ये जी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ऑब्जेक्ट कितना तेजी से नीचे गिर रहा है, क्या ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है क्या, कि ऑब्जेक्ट पंख है या क्या है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, ध्यान से देखो ये फॉर्मूला, जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये अर्थ के मास पे डिपेंड कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का मास कितना ही हो दोनों का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम यहां इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो पंख झूल झूल कैसे गिरेगा, क्योंकि पंख को हवा रोकती है, इसको हवा रोक नहीं पाएगी इतना, इसलिए पंख धीरे धीरे गिरता है, याद रखोगे फॉर्मूला, इसे डेरिवेशन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ गया, ये रहा वन टू, यहां से स्टार्ट करना है ना, इस तरह से वन टू थ्री स्टॉप, पॉज करके कर लेना ना, चलो अब सोचो तुम अर्थ से बहुत ऊपर चले गए, जैसे प्लेन, तुमने देखा प्लेन से कोई आदमी जब पूछता वो करते हैं क्या बोलते हैं उसे, स्काई डाइविंग करते हैं, तो वो आदमी बहुत आराम से गिरते हैं, झूलते झूलते गिरते हैं, सोचो तुम प्लेन से बहुत ऊपर चले गए, ये तो आर थी अर्थ की रेडियस, अब तुम बहुत ऊपर चले गए आर एच, तो क्या अब जी का फॉर्मूला ये हो गया, आर स्क्वायर था पहले, क्या अब जी की वैल्यू मैं ये लिखूंगा, क्या जी घट गया, ये वैल्यू छोटी आएगी है ना, इसको जी डैश ले लो, क्या जी डैश तुम्हारा छोटा है जी से, तो जितना तुम अर्थ से दूर जाते जाओगे तुम पे ग्रेविटी कम लगेगी, तो तुम धीरे धीरे नीचे गिरोगे, जितना बहुत ऊपर चले जाओगे, तो ठीक है ये लिख लो, एट हाइट एच, कुछ हाइट एच पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, लिखो स्क्रीन शॉट ले लो, वन टू थ्री को, अगला तुम चले गए अर्थ के अंदर, गड्ढा खोदा सुरंग बनाई यहां चले गए, अर्थ का सेंटर ये, तो रियलिटी में जो तुम्हारे पर फोर्स लगाएगी अब सिर्फ सिर्फ इतनी अर्थ लगाती है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला ये था, तुम अंदर चले गए, यहां मास ऑफ अर्थ ये पूरी का था, ये था पूरी मास ऑफ अर्थ, यहां लिख रहा हूं ये मास सिर्फ अब इतना काउंट होगा, अब तुम पे सिर्फ इतना मास फोर्स लगा रहा है, इसको एम लिख, एम डैश लिख लो, तो अब तुम्हारे पे जो फोर्स लगेगी वो एक्चुअल में कम लगती है, इस डिस्टेंस को ले लो डी,
ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एनटीएससी वालों के लिए, तो ये जो जी डैश है ना ये कम लगता है, यानी तुम अगर अर्थ के अंदर जाओगे तो भी जी की वैल्यू कम होगी, अर्थ के ऊपर जाओगे तो भी। तो अर्थ की वैल्यू मैक्सिमम का होती है, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट सरफेस, सरफेस पे सबसे ज्यादा होती है। अच्छा तुम बता जादू की बात, अगर तुम मून पे जाओगे ना और मून पे ऐसे उछलोगे तो तुम इतनी आराम से नहीं गिरोगे, मून पे जाओगे तो ऐसे जूम और आराम से आओगे बहुत। पता क्यों? जो तुम एकदम से नीचे गिर गए ना वो किस पे डिपेंड करता है? इस जी पर। लेकिन मून पर एक्चुअली पता क्या होता है, 1/6 होती है इसकी वैल्यू, जैसे अर्थ पर होती है जी की वैल्यू इतनी, ये लिख लेना जनरल नॉलेज के लिए, मून पर होती है इतनी, यहां एम लिख लो ऐसे, यहां अर्थ, मून पर इतनी होती है। तो मून पर कितनी होती है? 1/6 ऑफ अर्थ। स्मॉल जी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ स्मॉल जी ऑफ अर्थ, ये याद रखना। तो अर्थ पर अगर तुम कूद गए तो तुम बहुत धीरे धीरे नहीं चाहोगे, ठीक, लिख लो ये। चलो लास्ट चीज इस चैप्टर की, इसके बाद हम फ्लोटेशन में करेंगे, फ्लोटेशन को मैं अलग पॉइंट उसमें कराऊंगा, ठीक है। चलो देखो यहां क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मास और वेट का डिफरेंस। सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो जिन मॉलिक्यूल से मिलकर ऑब्जेक्ट बना उसको मास बोलते हैं, वेट किसको बोलते हैं? जो अर्थ फोर्स लगा के खींच रही है उसको वेट बोलते हैं, वेट एक फोर्स है, मास एक क्वांटिटी है, वेट फोर्स होती है, इट इज द फोर्स विद विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, समझे। अगला पॉइंट कह रहा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, मास जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, वेट जीरो हो सकता है। सोचो कहीं पे ग्रेविटी जीरो है, स्पेस में, स्पेस में जी जीरो होता है, तभी तो देखा ऑब्जेक्ट कहीं जाता नहीं, तैरता रहता वहीं, है ना। तो वेट भी कितना हो गया, वेट का फॉर्मूला है एम इंटू जी, सोचो जी जीरो हो गया तो क्या वेट भी जीरो हो गया, हाँ बिल्कुल। चलो थर्ड पॉइंट, मास इज स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होती, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेट डिपेंड करती किस डायरेक्शन में जा रही है, अर्थ की तरफ जा रही है ना। देखो अगला पॉइंट, इट इज मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस और अ फिजिकल बैलेंस, एक डिवाइस होता है ये, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है लिख लेना। इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, मास की किलोग्राम होती है, वेट की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, क्योंकि फोर्स है ये। इट इज अ कॉन्स्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लेस एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे कहाँ ले गए कहाँ नहीं, कोई मतलब नहीं, हर जगह मास सेम रहता है, तुम यहाँ ले जाओ स्पेस में ले जाओ मार्स में ले जाओ, हर जगह यहाँ चेंज हो जाता है, ग्रेविटी डिपेंड करती है, तुम मून पे हो अर्थ पे हो जुपिटर पे, हर जगह अलग अलग होती है, सन पे बहुत ज़्यादा ग्रेविटी, बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्लियर। क्या सभी को ये बात समझ में आई? इसके बाद हम इस चैप्टर में करेंगे वो क्या कहते हैं, इस चैप्टर में हम वो करेंगे फ्लोटेशन, बायंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई होप सबको जितना मैंने आज कराया समझ में आया, उसके बाद हम इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे, देन वॉक एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, फ्लोटेशन पढ़ेंगे, इससे अगली क्लास फ्लोटेशन की होने वाली, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू, मिलते हैं तुमसे कब? अगली क्लास में, ठीक है, रेगुलर देखते रहो भाई स्टार्टिंग से, और मैथ्स का तो मैंने बताई दिया तुम्हें लाइव लेक्चर्स करने वाला हूँ, ठीक है, टाटा।